सहना है, सहना भी है तो कुछ नहीं कहना है। चीख भी लूं तो सुनाऊं किसको, हम दर्दों ने तो चुप रहना है। मैं ही करूं यही तो मेरा सब कुछ रखा है, तुम क्या जानो। अपनी और सिर्फ अपनी रायमा के लिए, जिसकी मोहब्बत मेरी जिंदगी की सांस है। रायमा चाय बना दी मैंने, आ जाओ अंकल भी बुला रहे हैं। तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही मामी याद आ रही थी। यहाँ तो मुझे भी बहुत आती है आंटी की, लेकिन रायमा तुम रो मत। तुम ये सोचो कि वो तुम्हें देखकर कितना खुश होती होंगी। तुम्हारी कितनी अमीर आदमी से शादी हुई है, कितने ऐशो आराम से रह रही हो तुम, कई नौकर चाकर हैं तुम्हारे आगे पीछे। ये सोचकर खुश हुआ करो। और यहाँ यहाँ क्या रखा है देखो। अच्छा रायमा सुनो, तुम एक काम करो, अपने सारे कपड़े निकालो, पुरानी किताबें निकालो, उनको पैक करो और ले जाओ। शायद हम ये घर बहुत जल्दी भेज दें। मगर तुम अपने पुराने कपड़ों का क्या करोगी? अच्छा कहो तो मैं किसी काम वाली को दे दूं। काम वाली? हाँ, अब जाहिर है इतने पुराने कपड़े कहाँ पहनोगी तुम, इतने सस्ते हैं। तुम्हें नहीं मालूम कैसे पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने वो कपड़े बनवाए थे। अगर कहो तो मैं सारे कपड़े पैक करके तुम्हारे घर भिजवा दूं। लेकिन सुनो, वहां किसी के सामने बैग मत खोलना, सब मजाक उड़ाएंगे तुम्हारे पुराने कपड़ों का। तुम पैक कर देना, मैं किसी को भेज के मंगवा लूंगी। एज यू विश। चलो बस आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है और अंकल भी बुला रहे, जल्दी से आ जाओ फिर खाना भी लगाते हैं हम लोग। मैंने हारिस को फोन किया है, ये भी बताया कि रायमा आई हुई है, फिर भी इतनी देर लगा दी, क्या हो गया? अच्छा मैं साफ कर देती हूँ। मामू मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पी लो बेटा। नहीं मैं बस चलती हूँ। क्यों? अरे देखो तुमने इतनी देर कर दी, और देखो खाली हाथ आयो, कहा भी था ना बेकरी से सामान लेकर आना, टुन टुन करते हुए ऐसे ही आ गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? बेगम सरकार? इसे मैंने बुलाया हारिस। आपने बुलाया? हाँ मुझसे मिलने आई। अब्बा क्या हो गया आपको? आप अपनी बदनामी भूल गए क्या? हारिस जी सीधी बातें कर रहे हो, ये यहाँ पर क्यों आई है? ये मेरा घर है। अब्बा मैं इस लड़की का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामू मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, रायमा जब तक चाहेगी इस घर में रहेगी, ये इसका भी घर, ये यहाँ से जाएगी। हारिस, हारिस। मामू, मामू आप हारिस से कुछ मत कहे, मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, इससे बहुत बुरा लग रहा है, ये चला जाए यहाँ से। मामू थोड़ी देर रुकूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं फिर आऊंगी। रायमा, माथे पे जो लिखी थी किस्मत उसमें किसी की मोहब्बत।
सरकार। अब्बा मैं इस लड़की का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये यहां से चाहिए। अरेस्ट अरेस्ट।